Assalamu alaikum dear students, how are you all? I'm Asim Saraz. Today is our lecture number 4 of chapter number 11. Our contents are electric potential, electron volt and equipotential surface. अब सारी बातें हमारी चल रही हैं इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक के हवाले से, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्योंकि हमारा चैप्टर है, तो द चार्जेस विच आर इन रेस वी आर डीलिंग इन दिस चैप्टर, तो उसकी जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पहली टर्मिनोलॉजी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, जो उसकी पोटेंशियल होगी उस चार्ज की, हम उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, डिनोटेड बाय वी, वी से डिनोट करते हैं इसको। फॉर सपोज़ आपकी ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके अराउंड कोई ना कोई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब उस जो उसकी फील्ड में जो एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी पर यूनिट चार्ज, को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। सिंस पोटेंशियल एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, क्यू यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर जगह मल्टीप्लाई करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। द डिपेंडेंस ऑन क्यू, जो डिपेंड करेगा क्यू पे, वी डज नॉट डिपेंड अपॉन ऑन क्यू, अगर क्यू यहाँ पर आता है तो वी डिपेंड नहीं करेगा क्यू पर। ओके, द चार्ज इन द पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चार्ज होगी डेल्टा पी ई इज क्रूशियल होगी, ठीक है, वो डिपेंड करेगी, किसी चार्ज की ज़्यादा होती है किसी पर कम होती है। एंड सो वी आर कंसर्न विद द डिफरेंस इन द पोटेंशियल, तो हम कंसर्न करते हैं उसके डिफरेंस पर, और द पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, हम उनके बीच में जो पॉइंट्स होंगी, जो वोल्टेज के जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब वो डिफरेंस कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी एक पॉइंट से लेकर दूसरी पॉइंट तक का डिफरेंस पॉइंट, तो उसका जो डेल्टा वी होगा, वो किसी इसके बराबर होगा, वी बी माइनस वी ए, जो पॉइंट बी से लेकर माइनस पॉइंट ए, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ओवर चार्ज। ओके, दैट वॉज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ द इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बिटवीन टू चार्जेस, चार्ज मेटल प्लेट्स, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट करता है दो चार्जेस के बीच में, ठीक है, दो चार्जेस रख दें तो एक्सेलरेट होगा यहाँ से यहाँ तक। एज इट माइट बी इन एन ओल्ड मॉडल टेलीविजन ट्यूब और ऑसिलोस्कोप, जैसे कि हम पुराने जो टीवी होती थी जो ट्यूब पर चलती थी हमारी, उसमें क्या होती थी, चार्जेस जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होती थी, तो हमें थोड़ा सा पिक्चर पर कोई ना कोई चीज़ दिखाई, कोई इमेजिन, कोई शो या कुछ भी दिखाया जाता था। द इलेक्ट्रॉन इज गिविंग काइनेटिक एनर्जी दैट इज लेटर कन्वर्टेड इन टू अनदर फॉर्म, जो इलेक्ट्रॉन जो है वो गिविंग इज अ काइनेटिक एनर्जी, इज गिविंग इज काइनेटिक एनर्जी, जो कि कन्वर्ट की गई आगे जाकर लाइट इन अ टेलीविजन ट्यूब, उस एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर दिया उस ट्यूब में, ठीक है, जो पुरानी टेलीविजन्स जो हमारी थी, अभी तो जो है हमारी LED आ गई हैं, जो पुरानी ट्यूब में जो चलती थी उसमें क्या होता था कि उसको उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कन्वर्ट करते थे उसमें, उसको लाइट में कन्वर्ट करके हम उसमें से हम क्वालिटी हासिल करते थे, उसमें कोई शो या कोई भी ट्यूब हम पिक्चर क्वालिटी हासिल करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि नोट दैट डाउन हिल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अप हिल फॉर द पॉजिटिव चार्ज, जो डाउन हिल होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, उसकी मतलब नेगेटिव चार्ज अगर अप डाउन होती है तो पॉजिटिव चार्ज उसकी अप होती है। सिंस एनर्जी इज रिलेटेड टू द वोल्टेज, इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी जो है वो इससे डील करती है, रिलेट करती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो डेल्टा पी ई इज इक्वल टू क्यू वी, जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था उसमें क्या था कि हम क्या कर रहे थे, क्या फाइंड आउट कर रहे थे, डेल्टा वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्यू यहाँ पर डिवाइड करा था, तो इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड टू द इट्स चार्ज, द पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड अपॉन द चार्ज एंड इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वी कैन थिंक, हम सोच सकते हैं कि ऑफ द जोल एज अ कूलम वोल्ट, हम इसके जो यूनिट है वो जोल इसका एनर्जी, क्योंकि हर जितनी भी एनर्जीज हम दुनिया में हो उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ जोल, और इसका जो यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वो है कूलम वोल्ट। अब यहाँ पर जो है वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज़ के बराबर है, 1.60 × 10⁻⁹ कूलम वोल्ट, ठीक है,
तो यहाँ पर ये इसी इसके बराबर है, या तो सिंपल आप इसको कह सकते हैं कि 1.60 इंटू 10^-19 जो कूलम पर वोल्ट, कूलम वोल्ट सॉरी। अब हमारे पास से दूसरा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पर हमें वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये टॉपिक क्या कहना चाहता है। अब यहाँ पर ये फिगर देखिए, ये चार्ज है फॉर सपोज। अब चार्ज यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर इलेक्ट्रिक फील्ड पर एक जैसा ही फ्लक्स हो, फ्लक्स कांस्टेंट हो, उसकी फील्ड कांस्टेंट हो, उसको हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब हमारा उसकी इंटेंसिटी, ठीक है। और उस सरफेस की, किस सरफेस की, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की सरफेस की टोटल फील्ड, टोटल फ्लक्स जो है वो सेम हो, उसको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेट कंसिडर द डेफिनेशन, एनी सरफेस ओवर विच द पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट, ऐसा सरफेस जिसका टोटल पोटेंशियल जो है वो कॉन्स्टेंट हो, सेम हो, उसको हम इक्विपोटेंशियल कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ज़ीरो। हम दो पॉइंट्स का डिफरेंस ले लें, माइनस कर दें तो उसको एक जैसा आएगा। फॉर सपोज ये पॉइंट और इस पॉइंट का डिफरेंस हम लेते हैं, यहाँ पर फॉर सपोज फ्लक्स जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 2 है, यहाँ पर भी 2 होगी क्योंकि एक जैसी है, तो 2-2 विल बी इक्वल टू 0। व्हाट डज इट शोज कि इसका टोटल फ्लक्स, टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कॉन्स्टेंट है, जो पोटेंशियल है वो कॉन्स्टेंट है, दैट इज़ वाई वी कॉल्ड एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। दो सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उसको कंसिडर करते हैं। वर्क डन इन अ मूविंग चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, जो वर्क डन होगा किसी मूविंग चार्ज का, उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो जीरो होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस के। द स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस इनेबल अस टू आइडेंटिफाई रीजन ऑफ आर स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड, जो स्पेस होता है बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें बताता है कि कौन सा रीजन जो है स्ट्रॉन्ग है, कौन सा रीजन वीक है। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस के नेवर इंटरसेक्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। If equal equipotential surface could intersect, अगर वो intersect करेंगे then at the point of intersection, उस point of intersection पर there would be a value of electric potential, उस point पर हमें electric potential की value मिल जाएगी जो कि impossible है, मिल ही नहीं सकती। Okay, I hope आपने ये 3 terminologies अच्छी तरीके से समझ ली होंगी। अगर आपको इनमें से कोई question या query है तो आप पूछ सकते हैं। Thank you।